हेलो फ्रेंड, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन पे। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कन्वेयर पुली। हमारे किसी भी प्लांट के अंदर जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, जहां पे हम बल्क मटेरियल को हैंडलिंग करते हैं, वहां पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है वो होता है कन्वेयर सिस्टम। और कन्वेयर सिस्टम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है कन्वेयर सिस्टम के अंदर लगा हुआ कन्वेयर पुली। आज हमारे स्लाइड में मैं आपको इसके एक एक स्टेप में ये क्लियर करूंगा कि कन्वेयर पुली का डिफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं उसके बारे में, और उसके कितने टाइप होते हैं, और हर एक पुली के जो टाइप होते हैं उस टाइप का एप्लीकेशन क्या है। तो प्लीज़ चले हमारे स्लाइड की तरफ जहां मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आप हमारे स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर बताएंगे टाइप ऑफ पुली, फिर हर एक टाइप ऑफ पुली के एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन, ये सिंपली एक पुली का ये कह सकते हैं कि कन्वेयर पुली इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट इन द कन्वेयर सिस्टम इन द ड्राइव द बेल्ट एंड टू द टेंशन द बेल्ट। सिंपली है, दो वे में आप ये बोल सकते हैं। एक पुली का ये काम है जो बेल्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है, दूसरा ये काम है कि ड्राइव को हम अटैच करते हैं पुली के साथ, और वो जब ड्राइव को हम चलाएंगे तो पुली भी चलेगा, तो वो हमारे बेल्ट को ड्राइव करने में हेल्प करता है, और तीसरा बेल्ट के अंदर प्रॉपर टेंशन प्रोवाइड करने में वो हमारा पुली हेल्पफुल होता है। मॉडर्न पुली आर मेड ऑफ द रोलर शील्ड, जो हमारा अपडेटेड वर्जन जो पुली का है उसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं वहां पे एक रोल्ड शेल का यूज करते हैं जो फ्लेक्सिबल एंड डिस्क के साथ और लॉकिंग असेंबली के साथ लगा हुआ होता है। उसके सरफेस जो पुली के सरफेस होते हैं वो उसका पुली सरफेस स्मूथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो जब हमारा स्मूथ होगा तो उसको हम स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, या तो कास्ट रबर या रबर का कोटिंग करते हैं। उस कोटिंग को हम लैगिंग बोलते हैं। उस लैगिंग को प्रॉपर वे में करने के लिए, यानी तो फिर आयरन कास्ट को भी हम कास्ट करते हैं सिंपली उसके स्मूथ करने के लिए सरफेस को। तो बेसिकली मैंने आपको तीन यहाँ पर पॉइंट बताया है पुली के बारे में। अब यहाँ पे मैं उसको एक डिफिनेशन भी आपको देने वाला हूँ, लेकिन उस डिफिनेशन से पहले मैं आपको ये बताऊंगा टाइप ऑफ पुली कितने, मतलब क्या होते हैं। तो कन्वेयर विल ऑलवेज कंसिस्ट एटलीस्ट टू पुली, हेड पुली एंड टेल पुली। दैट मीन्स कोई भी कन्वेयर होगा, अगर उसमें हम उसको चलाने के लिए, ऑपरेशन के लिए अगर हम बात करें, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो कंसिस्ट करता है सिर्फ एक हेड पुली को और एक टेल पुली को, विथ एडिशनल पुली यूज डिपेंड ऑन द कन्फिगरेशन। आपका जिस तरह का डिजाइन होगा कन्वेयर सिस्टम का, उसके हिसाब से हम जो है पुली को लगाएंगे। स्टैंडर्ड ड्यूटी पुली जो होती है यूजुअली, वो क्या होता है, सिंपल एप्लीकेशन में होता है। माइंड ड्यूटी इंजीनियर जो होते हैं इंजीनियरिंग के हिसाब से, जब ड्राइंग के हिसाब से आप जाएंगे, तो जहां पर आपको हैवी ड्यूटी पुली का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये हमने आपको बताया कि पुली के एप्लीकेशन जो होते हैं और जो टाइप होते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि दो तरह के टाइप होते हैं एज पर एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और चीज ये दिखलाना चाह रहा हूं कि एज पर एप्लीकेशन ऑफ कन्वेयर वी कैन क्लासिफाइड कन्वेयर पुली इनटू ड्राइव पुली, हेड पुली, दूसरा टेंशन पुली, उसके बाद स्नब पुली, उसके बाद डिस्चार्ज पुली, जिसको हम हेड पुली भी बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ड्राइव पुली भी हेड पुली हो सकता है, और डिस्चार्ज पुली जो होता है उसको भी हम हेड पुली बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हेड पुली में ही हम ड्राइव लगा देते हैं और उसी लोकेशन से मटेरियल डिस्चार्ज भी होता है, तो इसलिए उसी पुली को डिस्चार्ज पुली, उसी पुली को हेड पुली, और उसी पुली को हम ड्राइव पुली भी कहते हैं। देन आप आते हैं बेंड पुली की तरफ, और उसके बाद एक पुली होता है विंग पुली। अब हर एक पुली को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ड्राइव पुली क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेजेस भी लगाया है आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ आप देखिए, ये हमारा एक पुली है जिसके साथ हमने ड्राइव असेंबल कर रखा है। ये हम जब ड्राइव किसी भी पुली के अंदर लगेगा सिंपली उसको हम कहेंगे ड्राइव पुली। आप एक चीज ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक कन्वेयर सिस्टम को ड्रा किया है, मटेरियल डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा है, इसको हेड पुली भी कहते हैं, और यहाँ ड्राइव भी लगा हुआ है जो मैं आपको अभी इससे पहले बता रहा था। तो ड्राइव पुली इज वन विच इज अटैच टू अ पावर सोर्स When is used, a force is placed upon the belt around the pulley. Next, we discuss about the tension pulley. Conveyor belt tensions, also known as take-up unit.
टू मेंटेन अ डिजायर अमाउंट ऑफ टेंशन ऑन द कन्वेयर बेल्ट टू इंश्योर प्रॉपर ट्रैकिंग सो द बेल्ट कंटिन्यू टू फॉलो द डिजायर पाथ ड्यूरिंग कन्वेइंग। यहाँ पे सिंपली जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहा है, इस डिफिनेशन से बिल्कुल करेक्ट वे में आप किसी को आंसर दे सकते हैं कि टेकअप पुली जो होता है, यानी कि टेंशन पुली जो होता है, आप हमारे इस ड्राइंग में देख सकते हैं। इस ड्राइंग के अंदर मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये फोर्थ नंबर जो है ये टेकअप पुली है, तो इसी को टेंशन पुली बोलते हैं। और ये सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये नीचे डाउनफॉल है, मतलब डाउन पोजिशन पे है, तो जहां से ये टेंशन आएगा इस बेल्ट के अंदर। और इससे क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो सिंपली हमारा कन्वेयर एक डिजायर पाथ पे कंटिन्यूटी में अच्छे से अच्छे फ्लो में चल सके, अलाइन रह सके, इसलिए हम यूज करते हैं टेंशन पुली का, जिसके हम कहते हैं टेकअप पुली। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखलाता हूं स्नब पुली। स्नब पुली आप मेरे पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल स्नब पुली को मैं ये बताऊंगा आपको कि स्नब पुली ट्रैक्शन ऑफ द ड्राइव पुली, ड्राइव पुली के जस्ट नियर अबाउट रिटर्न साइड में स्नब पुली को हम फिक्स करते हैं, जो कि ट्रैक्शन करता है, रैप एंगल को बढ़ाता है, जिससे सरफेस कॉन्टेक्ट जो होता है हमारे ड्राइव पुली का या हेड पुली का, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो पोर्शन है ये हमारा स्नब पुली है और ये ड्राइव पुली है। ड्राइव पुली के अंदर इस बेल्ट को थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ फिक्स करता है ये स्नब पुली, और ड्राइव पुली के अंदर क्या करता है, ट्रैक्शन बढ़ाता है, रैप एंगल को बढ़ाता है और साथ साथ सरफेस कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा बेल्ट जो होता है वो अलाइन होता है और बहुत ही सही टेंशन प्रोवाइड होता है। डिस्चार्ज एंड हेड पुली जो कि मैंने प्रीवियसली आपको स्लाइड में क्लियर किया है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि डिस्चार्ज पुली या हेड पुली क्या होता है, द हेड पुली इज द लोकेटेड एट द डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ द कन्वेयर, इट यूजुअली ड्राइव टू कन्वेयर एंड ऑफ्टन हैज द लार्जेस्ट डायमीटर देन अदर पुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि इसका जो है ये सारी पुली से ज्यादा डायमीटर होगा, यहाँ पर मटेरियल डिस्चार्ज होगा और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उसी पॉइंट पे उसी पुली को हम ड्राइव के साथ असेंबल करके ड्राइव पुली बना देते हैं, जिससे हमारे कन्वेयर को ड्राइव करने में हेल्प होता है। आप देख सकते हैं बेंड पुली क्या होता है, टेकअप पुली के ऊपर जो हमारा दो पुली यूज होता है उसको मैं बोलता हूँ बेंड पुली। और हमारे सिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो कन्वेयर सिस्टम मैंने दिखलाया है, इसके अंदर टेकअप पुली इस पॉइंट पर है, लेकिन हमारे को टेंशन देना है वहां पे, टेंशन देने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे बेल्ट के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम बेल्ट बेंड पुली का यूज करेंगे। सिंपली यहाँ मेंशन भी हमने किया है, बेंड पुली इज यूज फॉर द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट। विंग पुली क्या होता है, विंग पुली ये अभी बहुत ही अपडेटेड वर्जन है, जिसको टेल पॉइंट पे टेल पोजीशन पे यूज करते हैं। बेसिकली विंग पुली क्या होता है, विंग टाइप ऑफ पुली आर ऑफ्टन इंस्टॉल्ड एज अ मेथड ऑफ रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बेल्ट डैमेज, बेल्ट के सेफ्टी के लिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल बेल्ट और पुली के बीच में लंप हो जाता है, तो मटेरियल को हम जो है मटेरियल की वजह से हमारा पुली कोटेड और पुली की लैगिंग डैमेज हो जाती है, और बहुत जगह पे क्या होता है कि हमारा बेल्ट डैमेज हो जाता है, तो बेल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पुली को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेल्ट डैमेज होगा तो आपका सिस्टम ऑपरेशन जो होता है वो रुक जाता है, तो बेल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि बेल्ट के डैमेजेस और बेल्ट के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अभी जो नया अपडेटेड पुली होता है जिसको हम बोलते हैं विंग पुली। तो व्यूअर्स और हमारे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कन्वेयर सिस्टम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके पोजीशन और उसके एप्लीकेशन को मैंने आप तक पहुंचाया है, तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।